मिर्ची मुर्गा बड़े अलग अलग अंदाज में बनाते हैं, काफी अलग अलग अंदाज होते हैं आपके, तो आपका फेवरेट अंदाज कौन सा है? एक मैंने मुर्गा किया था, किसी भाई साहब ने मैट्रिमोनियल में ऐड दिया था शादी के लिए। तो जनरली होता यह है कि जब शादी में मैट्रिमोनियल पे जाके आप देखेंगे तो किसी को अगर आप पसंद करते हैं तो उसको कॉल करते हैं। बिल्कुल, हमने उल्टा किया था, हमने फोन करके ये कहा था कि आप हमें पसंद नहीं आए। तो इस चीज पे वो हैरत कर रहा था कि कॉल क्यों कर रहा है फिर, तो मैं उसको थोड़ा सा जलील कर रहा था। तो मैं ऐसे बोलता था, अजय आप, हमने मुझे आपको देखा था सिर्फ, जाओ आप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए। मैं तो मैं छोड़िए, मैंने अपनी वाइफ से कहा हो सकता है एक घंटे बाद पसंद आ जाए। मैंने वाइफ से पूछा तेरे को पसंद आया, वाइफ कहती है मेरे से तो देखा ही नहीं जा रहा ये, मतलब आप मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आए, मेरे को अजीब अजीब बोलने लगता है आपको देख के। अब ये इतना मशहूर हो गया कि कपिल शर्मा जो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल करते हैं, उनके साथ मैंने शो भी किया अभी रिसेंटली, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि उन्होंने अपने कैरेक्टर में यही लाइन वो बार बार कहते थे कि आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। हालांकि उन्होंने कहा था कि ये उन्होंने सुना था मेरा फिर, और वो मुझसे बेहतर करते हैं, मैं एक्चुअली बता रहा हूँ, वो मुझसे बहुत अच्छे करते हैं और मुझे बहुत पसंद है वो उनका कैरेक्टर। तो ये वाला जो कैरेक्टर है कि ये आपने पूछा है, मेरे को सबसे ज्यादा पसंद ये वाला कैरेक्टर है, सबसे ज्यादा पसंद ये कैरेक्टर है। कुछ हमारे हमारे दर्शक जरूर जानना चाहते हैं, वो सुनते आपको लगातार है लेकिन आज वो आपको इसके माध्यम से देख भी रहे हैं और जानना भी चाहते हैं कि हमारा आरजे नावेद आखिर पसंद क्या करता है। बहुत सारी चीजें, पढ़ता तो कुछ नहीं हूँ, मैं लिखता हूँ मैं मतलब लिख लेता हूँ फिर दूसरे से पढ़वाता हूँ। मैंने क्या लिखा कि मुझसे पढ़ना नहीं आता, मुझसे लिखना आता है सिर्फ। तो जैसे मेरी प्रोड्यूसर है वो मदद कर देते हैं कि जो मैं लिखता हूँ वो मैं खुद पढ़ नहीं पाता। तो मैं पसंद, मुझे गाने पसंद है ऑफकोर्स, क्योंकि गानों का काम करता हूँ और मुझे ऐसे गाने भी पसंद है जो लोगों को शायद ना पसंद आए, तो वो मैं रेडियो पर नहीं चलाता, वो अपने अकेलेपन में मैं सुनता रहता हूँ। कौन से तरह के गाने? लाइक ताऊ हट जा पासे ने। तो मुझे 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 भोजपुरी गाने भी बहुत पसंद आते हैं कभी। अच्छा। कभी मैं सुनता हूँ उसको और खुद वॉल्यूम बढ़ा के सुनता हूँ। कुछ गजलें पसंद है बहुत, लेकिन मुझे सब ज़्यादा पसंद है लोगों से मिलना, और ऐसे लोगों से मिलना है जो छोले भटूरे बेचते हैं, उनसे बात करना, गार्ड जो खड़े हुए हैं बाहर इनसे बात करना, मैं उनके अंदाज कैच करता रहता हूँ। मैं बहुत कुछ मटीरियल ले आता हूँ वहाँ से कि यार इनसे बातें करो। तो सबसे अच्छा शौक है मेरा कि मैं लोगों से बातें करता हूँ और चुप रहता हूँ, ज़रा से कुछ बोल के मैं चाहता हूँ जितना हो सकता है मैं सुनूँ, और जितना सुन लूंगा तो मैं बाद में माइक पे बोल दूंगा, उसका बहुत फायदा हो रहा है मुझे आप ही की वजह से। खाने में क्या पसंद है? मुगलई, मैं नॉनवेज बहुत खाता हूँ क्योंकि काम अब मुर्गे का कर रहे हैं, तो खाने में भी मुर्गा पसंद है। तो मैं खाने में बिरयानी कोरमा खासतौर से, और मैं पुरानी दिल्ली खाने जाता हूँ, मतलब पुरानी दिल्ली आप पता नहीं कितना गई है। नहीं, हमारे लेकिन सर भी जो है वो पुरानी दिल्ली। अच्छा, पुरानी दिल्ली से है। तो मैं दो चार आपको बताता हूँ, आप प्लीज मेरी वजह से सजाएगा। एक तो असलम चिकन कॉर्नर है, प्लीज असलम पे जाके खाना खाइएगा। करीम ऑफकोर्स मैं जाता हूँ वहाँ पे, एक टिक्के और सीख कबाब मिलते हैं पुरानी दिल्ली जहाँ मीना बाजार है उसके सामने, वो आप खा के आए। एक सेकंड लीजिएगा, मैं मेरा इंस्टा आ गया, एक सेकंड। जोधपुर कोर्ट वॉर्डिट सलमान गुड मॉर्निंग नवेद के साथ मिर्ची 98.3 और 5 अप्रैल को इंतजार करिएगा, थोड़ा सा ब्लैक बक तो नहीं रहा लेकिन टाइगर जिंदा, मिर्ची 98.3 पे गुड मॉर्निंग। तो अप्रैल फूल बनाने का टाइम है और आप तो इसमें माहिर है, मुर्गा तो आप बड़े अलग अंदाज में सबको बना देते हैं। क्या टिप्स देंगे आप दर्शकों को कि कैसे, अगर किसी का मुर्गा बनाना है तो कैसे बनाए? अगर किसी का मुर्गा बनाना है तो पहले कोशिश ये करिएगा, पहले तो ये समझने की कोशिश करिए कि आप खुद के बारे में कितना जानते हैं। लोग क्या करते हैं प्रैंक कॉल बनाने से पहले कि दूसरे के बारे में जितना जाने लोगों को लगता है, और सही भी बात है, लेकिन खुद के बारे में जानना जरूरी है कि आप किस हद तक तो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो सब ज़्यादा जरूरी है प्रैंक कॉल करने के लिए कि आप में पेशेंस होने चाहिए, क्योंकि मालूम है आपको, आप दूसरी तरफ चिंगारी दिखा रहे हैं, हो सकता है वो भड़क जाए, तो आपको बर्दाश्त करने की आदत आनी चाहिए। एक ये बहुत बड़ी टिप है किसी भी प्रैंकस्टर, जो भी प्रैंक करना चाहता है मुर्गे के अलावा कोई और भी नाम दे रखा है, तो उनके लिए मेरे ये खास तौर से ये मैं चाहता हूँ कि आप जितना हो सकता है बर्दाश्त करें, बर्दाश्त करें। हंसना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। मैं कभी कभी अननेसरी, मतलब लोग अब इतनी आदत पड़ गई है तो मुझे डर लगता है कि मेरा बाय डिफॉल्ट हंसना निकलने लगा है, तो कभी कभी मैं डरता हूँ कि कोई ऐसा ना आए कि यार क्या हाल चाल है नवेद, मैं कहूँ तू बता क्या हाल चाल है, कुछ नहीं पापा एडमिट आए थे। अच्छा कब? तो मैं सोचता हूँ पहले सुन लूँ कि ये क्या कह रहा है, वरना मैं हर बात पर हंसने लगा था, लेकिन मुझे हंसने से मजा आता है। लोग कहते हैं कि आप हंस ही नहीं रहे आज, जैसे मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ रेडियो पे, तो लोग कहते हैं फोन करके हंस क्यों नहीं रहे, तो मैं एक दो लाफ्टर उनको दे देता हूँ ऐसी, मतलब माइक ऑन किया, गाना चलाया, हंस दिया। मैंने कहा सिर्फ कोई बात नहीं करनी, हंसने आया था, हंसा के चला गया, दूसरों को हंसा के। हाँ, बहुत बहुत सुकून मिलता है, मतलब दूसरे अगर खुश है मेरी हंसी से ही तो उसकी वजह भी ना हो मैं हंसता रहूंगा। तो
थैंक यू बोलना चाहूंगी, आपने हमसे बात करी और हमारे दर्शकों के लिए बहुत, कहते ना जिसको हम सुनते हैं, जो हमें, जिसने हमें मुर्गा बनाया, आज हम उसको देख भी रहे हैं, ये तो हमारे लिए भी बहुत एक अच्छी बात है और हम आपसे बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल आपका आरजे नावेद, जिसने आपको मुर्गा बनाया, वो आज हमारे साथ थे। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। आप भी बोलेंगे जरा? प्लीज इस कमेंट को लाइक करें और शेयर करें जितना हो सकता है, और इनके चैनल को देखते रहिए और अपना नंबर छोड़िए कमेंट सेक्शन में, ताकि आपने अगर शेयर ना किया तो आपको मुर्गा तो बना सके हम, कम से कम नंबर होना चाहिए हमारे पास।